अब एक नजर मुंबई इंडियंस की टीम पर डाल लेते हैं, प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं मुंबई इंडियंस का। देखिए वही प्लेइंग 11 जो लास्ट मैच में खेला था, हालांकि जीते नहीं थे। इस बार क्रिस लिन की जगह क्विंटन डीकॉक को लेकर आए हैं, देखते हैं इस बार क्या वो अलग करते हैं। कोलकाता के प्लेइंग 11 में कौन सा खिलाड़ी है ये भी देख लीजिए। कोलकाता के प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं है। कोलकाता जो विनिंग जो उनका कॉम्बिनेशन है आपके सामने, वो आपके सामने इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है आज के मैच में। आइए आपको जल्दी से केकेआर की ताकत और कमजोरियां बताते हैं। कोलकाता बेहद मजबूत टीम है, टीम की ताकत है इनफॉर्म देसी खिलाड़ी जिसमें नीतीश राणा, शुभमन और राहुल त्रिपाठी शामिल हैं। वहीं आंद्रे रसेल किसी भी मैच को अकेले दम पर पलट सकते हैं और इस टीम के पास भज्जी, शाकिब, वरुण, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बेहतरीन गेंदबाजों की फौज है। हालांकि कुछ कमजोरियां भी हैं और आगे अगर बात करें हम मुंबई इंडियंस की, तो डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम इस बार भी परफेक्ट नजर आ रही है। बल्लेबाजी में टीम का टॉप ऑर्डर शानदार है, वहीं मिडिल ऑर्डर में किरण पोलार्ड जैसे दमदार बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की धार है, हालांकि रोहित शर्मा का मौजूदा फॉर्म थोड़ी परेशानी जरूर है। तो पहले मैच में डेविड वार्नर को पवेलियन की राह दिखाने वाले कोलकाता के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने मुंबई के खिलाफ क्या रणनीति बनाई है, आइए उनसे ही सुन लेते हैं। मुंबई के पास भी काफ़ी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, द लाइक्स ऑफ सूर्य कुमार यादव, क्रिस लिन जिनको आप अच्छे से जानते हैं, रोहित शर्मा, उनके खिलाफ आपकी रणनीति कैसे रहेगी, कैसे बॉलिंग करेंगे उनको आप? लाइक आई सेड, ट्राई एंड लुक एट एवरीबडी द सेम। हर एक टीम के पास अच्छा बैट्समैन है, एवरीबडी हैज़ बिग नेम्स, लाइक आई डोंट टेक नेम्स, बट हमारा प्लान वेरी सिंपल है। प्लान्स रखेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, देखेंगे अगर हम लोग एग्जीक्यूट किया वो प्लान्स, आई थिंक वील बी ऑन द विनिंग साइड। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।